हेलो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो बिजनेस का स्टार्टअप कैसे हो, और साथ ही साथ जो चिंता सताती है वो ये कि बिजनेस एस्टेब्लिश कब होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए आपको चाहिए ढेर सारा पेशेंस, क्योंकि बिजनेस एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है और ये बात आप गांठ बांध दीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर शुरुआती दौर में आपका बिजनेस नहीं चला तो एंड में आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज आपकी मदद के लिए 8 आपको ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। टिप्स को जरा ध्यान से सुनिएगा, 8 के 8 टिप्स को, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोस आपको देखने हैं और बिजनेस को लेकर, और साथ ही साथ बताइएगा जरूर कि और कोई आपके पास सजेशन है तो हम वो वीडियो भी आपके सामने लेकर आए। बेल आइकॉन का बटन दबाइए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो चलिए बिना देर किए आप देखिए बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के वो 8 टिप। बिजनेस प्लान बनाए। किसी भी बिजनेस को करने से पहले आवश्यक है कि आप उस बिजनेस के बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, बिजनेस की डिमांड, फ्लॉज आदि के बारे में जानकारी जुटाएं। एक बार यदि आपने ये सब जानकारी हासिल कर ली, फिर आप जिस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करें। एक बार जब आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से डिजाइन कर लें, फिर उसमें संभावना की गुंजाइश तलाशें और अपने डिजाइन को फाइनल करें। आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं। यदि आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर्स के साथ इस पर पूरी चर्चा करें। जब सब कुछ डिसाइड हो जाए तब आप अपने बिजनेस का प्लान बनाएं। प्लान हमेशा 2 रखें, यानी प्लान ए और प्लान बी। सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि किस तरह के लोग आपके बिजनेस में रुचि रखते हैं, यानी कि जेंडर वाइज, एज वाइज, फाइनेंशियल वाइज आदि। आप किस मार्केट में यूनिक स्किल और प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं ये तय करके अपना प्लान बनाएं। अपने पोटेंशियल मार्केट के बारे में निर्धारित करें कि आप किस मार्केट में उतर रहे हैं और टारगेट क्या है। सही निवेशक खोजें। यदि आप अपना बिजनेस बैंक से लोन लेकर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी बचत से शुरू करना चाहते हैं तो आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी। बैंक वालों को अपना बिजनेस प्लान दिखाना पड़ सकता है कि आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं और कितनी लागत आएगी आदि। यदि आप अपनी बचत के पैसे से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको केवल अपने खर्चे के बारे में, निवेश के बारे में और पैसा कहाँ से आएगा, कितना बचाना है, इसके बारे में प्लान बनाना है। यदि आप किसी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें निवेशक की आवश्यकता पड़ सकती है अधिक पैसे के लिए, तो आपको ऐसा निवेशक ढूंढना होगा जो आपके बिजनेस मॉडल को समझ सके और जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। एक निवेशक ऐसा खोजें जो आपके जुनून को समझता है, कोई ऐसा आदमी जिस पर आप भरोसा कर सकें और जिसके साथ साझेदारी और काम कर सकते हों। ऐसे न जाने कितने ही बड़े बिजनेस टाइकून या ऐसे ही कुछ अमीर लोग मिल जाएंगे जो आपको सफल बनाने में अपनी ओर से मदद करने को तैयार रहेंगे। अपने एरिया में मौजूद ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करें जिनके पास में फंड हो और जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हों। एक व्यवसायिक नाम चुनें। किसी भी बिजनेस को करने के लिए जिस तरह पैसा आवश्यक है उसी तरह बिजनेस का नाम भी आवश्यक है, क्योंकि आपका बिजनेस किसी एक ऐसे नाम से जाना जाएगा जो आप उसे देंगे। हो सकता है आपका प्रोडक्ट भविष्य में उसी नाम से मशहूर हो जाए, इसलिए अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा नाम चुनें जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो और फिट हो। अपने बिजनेस नाम को डोमेन नाम ऑनलाइन में चेक करें कि कहीं पहले से उपलब्ध तो नहीं। इसके अलावा ये भी चेक करें कि ये आपकी कंट्री, राज्य और देश में उपयोग करने के लिए फ्री है या नहीं है। बिजनेस का स्थान चुनें। बिजनेस की लोकेशन भी बहुत कई हद तक बिजनेस की सफलता में सहायक होती है। आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं ये उस पर निर्धारित होता है। अपने बिजनेस के लिए एक ऐसी जगह का चयन करें जो आपके बिजनेस की जरूरत के लिए बढ़िया और फायदेमंद हो, साथ ही जो आपके व्यवसाय के लिए अवसर प्रदान करे, जहां आपके ग्राहकों को पहुंचने में आसानी हो, जो उनके निकट हो सके। अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करें। यदि आप बड़े स्तर पर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उनमें सबसे पहले आता है कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाएं। हर देश और राज्य में अलग अलग नीतियाँ हो सकती हैं, इसलिए अपने देश और राज्य की नीतियों को समझें, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को सही रूप से कानूनी प्रक्रियाओं से गुजारें। हर देश और राज्य में नीतियां हैं जो व्यवसायों की निगरानी करती हैं। यदि आपका बिजनेस एक प्रकार का व्यवसाय है जिसे रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, इन व्यवसायों में से अधिकतर जो जनता को सेवा प्रदान करते हैं उन्हें ये करने की जरूरत है, जैसे कि एक किराने की दुकान या रेस्टोरेंट। आइडिया यूनिक हो। एक आइडिया पर काम करें, सुनिश्चित करें कि ये पॉसिबल है या नहीं। आप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं वो कितना यूनिक है यह आपके आइडिया पर निर्भर करता है। अगर आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो यूनिक हो, साथ में लोगों की डिमांड बढ़ सके, तो आपको ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढना होगा जो लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो, जिसकी मार्केट में डिमांड तो हो पर वो उपलब्ध नहीं है या बहुत कम उपलब्ध है। जब आइडिया आप एक बार सोच लें, फिर ये सोचें कि क्या ये कर पाना पॉसिबल है या नहीं।
जब आप निष्कर्ष पर पहुंचे कि आप जो आइडिया सोच रहे हैं वो लोगों की जरूरत भी है और आपके बिजनेस के लिए सही है, तब आप अपने आइडिया को सुनिश्चित कर लें और इस पर काम करना शुरू कर दें। बजट तय करें और लागत तय करें। आप जिस चीज का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसका बजट बनाएं। प्रोडक्शन कॉस्ट, शिपिंग्स, टैक्स, वर्कर्स की सैलरी, ऑफिस का रेंट आदि के लिए पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि किस चीज में कितना खर्चा आएगा। इससे आपका एक आउटकम बन जाएगा और आप उसी के हिसाब से निवेशकों से निवेश करवाएंगे। आपके बिजनेस में लगने वाली लागत ये तय करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी कि आपको आपके बिजनेस से कोई प्रॉफिट मिलने भी वाला है या नहीं, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए इससे भी ज्यादा कमाई करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बिजनेस कोई भी हो, शुरू शुरू में कमाई का मौका कम होता है, क्योंकि तब आप बिजनेस को समझ रहे होते हैं और बिजनेस में निवेश कर रहे होते हैं। अपने पोटेंशियल मार्केट के बारे में निर्धारित करें। कितने लोग आपके बिजनेस से जुड़ सकेंगे, आपकी सर्विस का लाभ उठा सकेंगे, कितने लोग आपके प्रोडक्ट पर कितना खर्च कर सकेंगे आदि के बारे में पहले से प्लान करें और रिसर्च करें। अगर ये नंबर आपके बिजनेस में बने रहने के कॉस्ट के कंपैरिजन में काफी छोटे आते हैं तो आपको एक बार फिर से इसके बारे में सोचना होगा या अपने प्लान्स को ही बदल कर देखना चाहिए। बिजनेस शुरू करने की सलाह। आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सर्विस को न सिर्फ अपनी कम्युनिटी में बल्कि सभी पब्लिक एरिया में अपीलिंग होने की पुष्टि करें। बिजनेस को सही स्पीड से लाने में आपको वक्त लग सकता है। ज्यादातर बिजनेस में एकदम शुरुआत से ही प्रॉफिट नहीं मिलने लगता और ना ही आपको ऐसे होने की उम्मीद लगानी चाहिए। अपना बिजनेस बड़ा करने और खुद को बॉस बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करने होंगे। जब आप आपके बिजनेस के लिए वर्कर्स को हायर कर रहे हो तब वर्कर्स का काफी गहराई से रिव्यू करने और इंटरव्यू लेने की पुष्टि जरूर कर लें। आपके पास में उनकी असली इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट, आईडी, पिछले काम, लाइसेंस और ऐसी ही और भी दूसरी चीजों की इन्फॉर्मेशन रख लें जिनके ऊपर वो सच में डिपेंडेंट हो। पेमेंट को आसान और लोगों के द्वारा अफोर्ड करने लायक बनाएं। क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करें, मंथली पेमेंट्स प्लान्स ऑफर करें, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर करके या सेल प्राइस देकर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। ओके, क्रेडिट आपके बिजनेस का सच्चा साथी।